अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में ऐसे ऐप की बात करने वाले जहां पे आप ग्रो एम है दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ में स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह कर दे दोस्तों, बहुत ही खास बात, ग्रो ऐप क्यों पॉपुलर है, ग्रो ऐप जो है क्यों पॉपुलर है, इसमें बहुत से खास फीचर देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले ग्रो ऐप में आप फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, मतलब अकाउंट जब ओपन कराते हैं आपको वहाँ पे जीरो अकाउंट, आपको कोई भी ओपनिंग चार्ज आपको नहीं मिलता। उसके बाद जीरो ब्रोकरेज चार्जेस, यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। जो दलाली होता है दोस्तों वो कोई भी यहाँ पे आपको कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं देना। दूसरा यहाँ पे फुल पेपरलेस प्रोसेस, मतलब कोई भी आपको मैनुअली फॉर्म भर के जमा करने की जरूरत नहीं है, डाक में लगाने की जरूरत नहीं, पूरा पेपरलेस यहाँ पे प्रोसेस आपको मिल जाता है। म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट, मतलब म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में दोनों में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ओपन अकाउंट इन जस्ट 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में आप इसमें अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। तो कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर, यहाँ देखेंगे प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्रो, क्योंकि ग्रो ऐप है तो आप यहाँ पे ग्रो सर्च करेंगे, ग्रो सर्च करेंगे, देखेंगे ग्रो स्टॉक डी म्यूचुअल फंड ये आपका आ जाएगा। इस पर आपको टैप कर लेना होगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, अगर आपके में इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल कर लेना। अगर रेटिंग और रिव्यू की बात करें, यहाँ पे देखते हैं 4.4 की रेटिंग है, 1 करोड़+ डाउनलोड, दोस्तों 1 करोड़+ डाउनलोड है, इसका मतलब कुछ तो खास फीचर है इसमें जो इतने सारे आपको डाउनलोड देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से ओपन कर देना। जैसे आप ओपन करते हैं यहाँ देख सकते ग्रो सिंपल इन्वेस्टिंग ये आपका आ जाएगा। अब किस मेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, आपको वो मेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। अगर आप ऐड अनदर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऐड अनदर अकाउंट पे टैप करेंगे, यहाँ से एक अनदर अकाउंट आप बना भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेक्निकल राजेश के नाम से एक ये है, इस पर मेल आईडी से लॉगिन कर ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ से मेल आईडी से लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखेंगे सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पे आपको टैप करना। जैसे सेंड ओटीपी पे टैप करेंगे, इसी नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो आपको वेरीफाई ले अपने आप से ले लेगा। अब आपको क्या करना है, इंटर योर पैन नंबर हेयर, मतलब आपको एक पैन, जो आपका पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे टैप करना होगा। हेलो राजेश कुमार मौर्य, कन्फर्म आई एम राजेश कुमार मौर्य, तो आपको कंफर्म पे टाइप करना, हाँ मैं ही राजेश कुमार मौर्य हूँ, तो आप इस पर आपको टाइप करना होगा। जैसे आई कंफर्म पे टाइप करेंगे, ये आपका कंफर्म हो जाए। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी होगी, चलिए वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के पे टाइप करना, जैसे नेक्स्ट पे टाइप करेंगे, यहाँ पे मांगेगा जेंडर, मेल फीमेल अदर, यहाँ पे मेल हम डाल दे रहे हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या शादीशुदा है या सिंगल है, यहाँ पे हम मैरिड डाल दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे मांगेगा क्या आप कौन सी जॉब करते हैं, जो आपका व्यवसाय क्या है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सर्विस करते हैं, पब्लिक सेक्टर सर्विस है, या हाउस वाइफ हैं, या स्टूडेंट हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस हैं, प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्टूडेंट फिर सेलेक्ट कर लेंगे। इनकम आपकी क्या है, अप टू 1 लाख यहाँ पर डाल देंगे। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको है कुछ, आप यहाँ देख सकते कोई एक्सपीरियंस है आपको ट्रेडिंग का, तो नो एक्सपीरियंस यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। उसके बाद डिटेल रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी, केवाईसी के लिए आपको मदर नेम और फादर नेम यहाँ पे डालना होगा। चलिए हम यहाँ पे मदर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको टाइप कर देना। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे टाइप करेंगे म्यूचुअल फंड नॉमिनी, अगर किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पे यस करेंगे और नॉमिनी डिटेल डालेंगे। यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट रिलेशन क्या है, आपके पापा हैं या फादर हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, यहाँ फादर ले लेते हैं। ये यहाँ पे नॉमिनी नेम डाल देना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अगर आपको ये बाद में करना तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ये बाद में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे टाइप कर देना। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे टाइप करते हैं चूज योर बैंक, आपको अपनी बैंक चूज कर लेनी। जैसे यहाँ पे हमारी कैनरा बैंक है तो हम यहाँ पे कैनरा बैंक चूज कर ले रहे हैं, हमने कैनरा बैंक चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैनरा बैंक लखनऊ आर ओ या लखनऊ चिन्हट, जो भी आप लेना चाहें, जैसे लखनऊ चिन्हट हमने यहाँ पे ले लिया।
अब इंटर बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, जो भी बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे फीड करना। चलिए बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई बैंक पे आपको टैप करना। जैसे वेरीफाई बैंक पे आप टैप करते हैं, ये आपका व्यू आर डिपॉजिट वन योर अकाउंट टू वेरीफाई टू विल टेक 25 सेकेंड, आपका यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 26 सेकेंड आपको यहाँ पे लेगा। ये यहाँ पे बैंक वेरीफिकेशन रिक्वेस्टेड, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेक ए फोटो। अब यहाँ पे एक फोटो आपको लेनी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं टेक ए फोटो। यहाँ पे देखेंगे कैमरा, कैमरे पे जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पे कैमरे पे टाइप करेंगे तो आपका एक कैमरा चालू हो जाएगा, यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक कैमरा, तो आपको एक अपनी फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर फोटो होनी चाहिए, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद कैप्चर नाउ पे आपको टाइप कर देना, जैसे कैप्चर नाउ पे टाइप करते हैं ये आपकी फ़ोटो लग गई। अब यहाँ देखेंगे प्रोसीड टू सिग्नेचर, आपको अब यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना होगा। चलिए हम भी उस सिग्नेचर प्रोसीड टू सिग्नेचर पे आपको टाइप करना, यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड टू सिग्नेचर, क्लियर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू सिग्नेचर, इस पर आपको टाइप कर देना। जैसे इस पर टाइप करते हैं आप, अब आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना होगा। चलिए एक सिग्नेचर भी यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखेंगे सबमिट के ऑप्शन पे आपको टाइप कर देना। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे आप टाइप करते हैं, यहाँ हमने सबमिट के ऑप्शन पे टाइप कर दिया, ये सबमिट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार ई साइन इन, मतलब आधार ई साइन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड टू आधार ई साइन पे आपको टाइप करना। जैसे इस पर टाइप करते हैं आप, यहाँ देखेंगे प्रोसीड टू आधार ई साइन पे हमने टाइप किया, उसके बाद ई साइन यहाँ पे हो जाएगा, लोडिंग डाटा, यहाँ पे लोडिंग हो रहा डाटा। आप देख सकते हैं आई कन्फर्म दैट 6394 ये आपका नंबर है, आपको यहाँ प्रोसीड टू ई साइन पे आपको टाइप कर देना होगा। जैसे इस पर टाइप करते हैं, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे साइन नाउ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे इस पर टाइप करते हैं ये साइनिंग नाउ हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं सीधे आपका ये आधार कार्ड का वो NSDL की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पर टिक कर लेना। जैसे इस पर टिक करेंगे, आपके पास वर्चुअल आईडी है या आधार नंबर है जो भी है आपको यहाँ पे फीड कर देना होगा। चलिए हम वो भी यहाँ पे फीड कर दे रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी पे आपको टैप कर देना। जैसे सेंड ओटीपी पे टैप करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। ओटीपी फीड करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी पे टैप करना। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे टैप करेंगे, आपका ये वेरीफाई हो रहा है अकाउंट, जो सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड, यहाँ देख सकते हैं साइन इन सक्सेसफुल हो गया, डोंट क्लोज द विंडो विल फिनिश कं, यहाँ पे देख सकते हैं बधाई का एक मैसेज आ गया, बधाई हो राजेश कुमार मौर्य, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पैसा ऐड कैसे करेंगे, अब यहाँ देखेंगे ऐड मनी टू इन्वेस्ट, तो आपको ऐड मनी टू इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब कितना पैसा हमें ऐड करना है, यहाँ आप देख सकते हैं मैं 10 रुपया। आपने सीख लिया होगा ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट रीड करता हूं, सभी लोगों का रिप्लाई भी देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।